हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। व्हाट इज़ योगा? हम सबको लगता है कि योगा इज़ एक्सरसाइज, बट योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है। इट्स अ फीलिंग। लाइक इफ़ यू आर हैप्पी यू कैन डू योगा, इफ़ यू आर सैड यू कैन डू योगा, इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड यू कैन डू योगा। आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप योगा कीजिए। आप अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, वाहेगुरु जो भी हैं भगवान, आप जिनको भी मानते हो, उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन डू योगा। बेसिकली मैं आपको आज योगा जो बताने वाली हूँ वो है गौमुख आसन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं काउ फेस पोज। सो फॉर दैट सिट लाइक दिस एंड आपको आपका राइट वाला पैर लेफ्ट वाले पैर पर इस तरीके से लाना है, राइट, कि नी के ऊपर नी होना चाहिए। देन आपको दोनों हैंड्स को इस तरीके से पीछे करके लॉक बनाना है, लाइक दिस। सो दिस इज़ कॉल्ड गौमुख आसन। इस आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत में आप इसको 20 से 30 सेकंड कर सकते हो, उसके बाद जब आपको आदत हो जाती है तो 1 मिनट से 2 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से धीरे से आप हाथों को रिलीज़ कर दोगे, उसके बाद पैरों को रिलीज़ कर देंगे हम। बेसिकली इसके क्या फ़ायदे हैं, आपकी बैक जो है उसकी फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी होती है। उसके अलावा अगर आप बैक एक से आपको सफ़र कर रहे हो तो बैक एक भी ठीक होता है आपका। एंड अगर आप स्ट्रेस्ड फील करते हो और डेली इस आसन का प्रैक्टिस करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री भी होते हो। सो बेसिकली ऑल योगा इज़ गुड फॉर यू। स्टे सेफ, स्टे होम।